भाई आज हम आए हैं हरिनगर घट्टाघर के पास। भाई हम आए आपको बर्गर खिलाने, बर्गर विदाउट बन, एक ऐसा बर्गर जिसमें बन नहीं है। भाई बर्गर यहाँ पे ना आपको हफ्ते में सिर्फ दो दिन मिलेगा, सैटरडे और संडे। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई, इसके लिए ना वीडियो में आखिरी तक बने रहना, काफी मुंह में पानी आने वाला है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, वज रहो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। यह है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम आपको लेकर आए हरिनगर घंटाघर के पास। भाई हम आ गए हैं हरिनगर घंटाघर और यहाँ पे ना एक बहुत ही बढ़िया सी कार्ड लगती है। कंसेप्ट जो इन्होंने रखा हुआ है ना अपनी आइटम्स का, वो काफ़ी डिफरेंट रखा हुआ है। भाई हम खाने आए हैं यहाँ पे बर्गर। बर्गर की आपको बता दें कि बर्गर की जो शुरुआत हुई थी ना 18वीं सदी में हुई थी कहाँ से, कैनेडियंस ने करी थी। उसके बाद ये पहुँचा यूएसए। यूएसए में जो बर्गर था ना वो बेसिकली फेमस हुआ था हैमबर्गर से, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा हैमबर्गर ज़्यादा प्रोवाइड होते थे। फिर उसके बाद ये आया वेज कंसेप्ट में। वेज में इसमें आलू की टिक्की लगाई गई, जो इसकी पैटी थी वो आलू की थी। मतलब बहुत सारे कंसेप्ट आ गए बर्गर के। आज हम जहाँ आपको लेके आए हैं ना हरिनगर में एक ऐसी कार्ड पे, यहाँ पे बर्गर का ना भैया ने ना एक अलग से कंसेप्ट निकाला। भाई कंसेप्ट जो निकाला ना वो काफ़ी डिफरेंट है। भाई बर्गर विदाउट बन जो होता है ना वो मेरे ख्याल से बर्गर नहीं हुआ। तो इन्होंने यही कंसेप्ट निकाला है यहाँ पे कि जो बर्गर होगा ना वो विदाउट बन होगा, और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर पैटी लगती है ना पैटी नहीं लगेगी। तो भाई देखते हैं क्या लगेगा और क्या इनका बेस बनेगा। तो चलते हैं भैया के पास, उनसे बातचीत भी करते हैं, थोड़ी सी यहाँ की टाइमिंग देखते हैं कि टाइमिंग क्या है, और टेस्ट करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो भाई हम इस समय खड़े हैं खलेरी बर्गर पे, ये पड़ता है हरिनगर घंटाघर, बिल्कुल उसके अपोजिट एक कार्ड लगती है और इनकी टैग लाइन है बर्गर विदाउट बन। तो सबसे पहले तो भैया से आपकी बातचीत करवाते हैं। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजन आहूजा। राजन आहूजा जी, सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये जो कंसेप्ट है ये मैं देख रहा हूँ कि आपने एक वो अपनी टैगलाइन बना रखी है कि बर्गर विदाउट बन, थोड़ा सा सबसे पहले इसके बारे में बताओ सर। बर्गर विद नो बन, एक्चुअली क्या है, मैं जब कहीं पर जाता था बर्गर खाने तो मेरे को बनना बड़ा रूखा रूखा सा लगता था। मतलब मेरे को ब्रेड लवर नहीं हूँ, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती थी, तो कुछ हटके करना था, कुछ अलग, तो क्यों ना मैं ही करूँ उस चीज़ को। जब मेरे को नहीं पसंद तो करना भी मेरे को है ना, और बचपन से ही खाने में शौक, तो स्टार्ट किया कभी कुछ, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। तो भैया ये मतलब मेरे को ये चीज़ ना थोड़ा सा कंसेप्ट ये अभी भी ऐसे क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बर्गर होता है ना वो बिना बन के तो देखो बिल्कुल ही बर्गर कहलाता नहीं है। मैं ये नहीं कहता ना बंदा कि बर्गर बिना बन, हाँ जी क्या सोचेंगे उसको, बिल्कुल इसको आप कह सकते हो कबाबे बर्गर। कबाबे बर्गर, कबाबे बर्गर, कबाबे बर्गर। चिकन में जो है तीनों लेयर चिकन की है, ठीक है ना, और वो पहले जो दो लेयर आती है टॉप और बेस, वो पूरा कबाब की तरह प्रिपेयर होता है तवा पे। अच्छा, ठीक है ना, और उसको हम बन की बर्गर की तरह रेडी करते हैं, तो इसीलिए वो बर्गर है। अच्छा, तो ये काफ़ी ना डिफरेंट स्टाइल है कि जो इनका बर्गर बनाने का ना, ये कह रहे हैं कि कबाबे बर्गर हो गया, क्या इसको आप बर्गर भी कह सकते हो? तो एक्चुअली सॉरी, ये लोगों को ही दिए हुए नाम है, कोई इसको कबाबे बर्गर बोल जाता है, कोई इसको सैंडविच बर्गर बोलता है, कोई कहता है ये मेरे टाइप का। अच्छा, मेरे टाइप का मुझे कुछ मिल गया। तो आप मतलब आप इसको अगर नाम देना चाहो तो आप क्या नाम दोगे इसको? मैं बर्गर ही, मुझे ये बर्गर की तरह पसंद है, क्योंकि बर्गर मुझे वो ब्रेड वाला पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे बन बना होता है, बन के अंदर एक पैटी होती है, ऊपर से थोड़ा चीज वगैरह, और ये बर्गर है ना, इसमें बन है ना इसमें पैटी है। तो ये वो बर्गर है ना, इसमें बन है ना इसमें पैटी डलती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, बन की जगह हम बैटर यूज करते हैं और लाइव तवा में बनता है, ठीक है ना, और स्टफिंग के लिए प्योर चिकन थाई का पीस होता है, जिसका हम घर पे फुल कुक्ड बना के जाते हैं। ये फास्ट फूड में कंसिडर नहीं कर सकते आप इसको, फास्ट फूड आइटम नहीं है ये फुल कुक्ड आइटम है। अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी बात भैया, आप इसका नाम खलेरी बर्गर क्यों रखा? खलेरी बर्गर एक्चुअली दो रीज़न है इसके, क्योंकि जब मैं घर पर खाना बनाता था छोटा होते तो बहुत मेस करता था, तो मम्मी दादी यही बोलते थे कि खलेरा पाया है, पंजाबी में कहते हैं खलेरा, यानी कि क्या है तुमने मैसअप मैस कर रखा, पूरा गंद मचा रखा है, उसे कहते हैं खलेरा। और सेम चीज़ जब ऑफिस में दोस्तों के घर पार्टी होती थी तो मैं ही कुक करता था, तो वहाँ पे जब मैं बनाता था तो दोस्तों भी यही कहते थे भाई कि क्या खलेरा डाला होगा, खलेरा पाया हुआ यार है, घर ही खराब कर दिया। बट एंड में जब टेस्ट कराया तो नेक्स्ट टाइम वो खुद ही बोलते कि खलेरा तो कर दे एक बार। तो वही मतलब ये भैया का बनाने का जो यहाँ पे अंदाज है ना काफ़ी डिफरेंट है, वो भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। भैया एक बार यहाँ की एग्जैक्ट टाइमिंग बताएंगे क्या है? टाइमिंग है इवनिंग 5 to 10, बट ओनली सैटरडे एंड संडे। भाई 5 से लेके रात को 10 बजे तक है। अब ये बात करते हैं भाई सैटरडे और संडे ही क्यों? सैटरडे संडे एक्चुअली 5 डेज मेरा वर्किंग होता है। ठीक है, एमएनसी कंपनी में वर्किंग हूँ। अच्छा, मतलब आप वर्किंग करते हैं और साथ में जो अपना टाइम स्पेंड, मतलब जो टाइम बचता है अपना सैटरडे या संडे को, वो यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो भैया ये मतलब एक पैशन है कि हाँ भाई मैंने खाना बना, पैशन है, पैशन को एक प्रोफेशन में ले आए हो आप,
कि भाई दो दिन अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या पता ये इन फ्यूचर ये प्रोफेशन भी बन जाए। अपनी एक मतलब खुरक भी मिटा ली और लोगों को अच्छा खाना भी खिला दिया, इसे कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा, और खुरक जिंदा रहे उसके लिए यही है, यही रहेंगे खुरक को बरकरार। ऐसे बंदों की जरूरत नहीं मिलता है खुरक को नई नई चीजें बना के लोगों तक पहुंचाने की, जो जज्बा भैया के अंदर है। अब चलते हैं तवे पे, देखते हैं कैसे बनती है, उसका टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो भाई अब देखते हैं कि जो हमारा खलेरी बर्गर है ना वो कैसे बनेगा, बर्गर विदाउट बन। तो भैया सबसे पहले तो बताओ कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत करें। बटर की ग्रीसिंग आ गई, ठीक है, ठीक है ना। एक्चुअली अब अमूल बटर का क्रेज लोग शुरू से ही खा रहे थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, क्रेज हो गया और लोगों ने तो बहुत हुआ ही बना दिया। हम अमूल बटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। खैर अब आजकल सोशल मीडिया पर इस ब्रांड का नाम लेना भी काफ़ी वो हो जाता है, क्योंकि नीचे कमेंट्स आ जाते हैं कि अमूल बटर तो सोना ही हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। अमूल बटर नॉर्मल हर जगह अवेलेबल है, वो यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पसंद है। और ग्रीसिंग सिर्फ इतनी होती है, इससे ज़्यादा बटर नहीं जाएगा, ठीक है भैया। जो ग्रीसिंग होगी अगर वो भी कस्टमर की ऑप्शन है, अगर चाहे तो डलवाए, नहीं चाहता तो बिल्कुल मना कर दे। ये बैटर आ गया, ये बैटर आ गया। ये बैटर किस चीज़ का बना होता है? मींस चिकन है, बिल्कुल पानी कर रखा है इसको, चिकन को इसमें, ठीक है ना। और जब चिकन कुक होता है जो उसका पानी निकल जाता है, जो थाई का पानी जूस निकल जाता है, तो वो इसमें डाला हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसमें ब्रेड क्रम्स है, मल्टीग्रेन फ्लावर है और स्पाइसेस है और एग कम्बाइन, इसको एक भाई। ये जो बैटर बना हुआ है ना, ये काफ़ी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसमें ना बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आ रखे हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि जो ये बेस बन रहा है ना बर्गर का, वो यही बन रहा है भाई। अच्छा, इसको बनने में भैया कितना टाइम लग जाता है? 5 मिनट मैक्स, मैक्सिमम 5 मिनट। अब जो प्रोसीजर है, इन गोलों को हटाया जाएगा क्योंकि ये जो सांचे लगाए हुए हैं सिर्फ शेप देने के लिए, शेप आ चुकी है। अच्छा, ये मतलब जो बेस होता है ना, जैसे अगर आप कहेंगे कि जो बन होता है उसकी शेप होती है ना, ये उसी की शेप दी हुई है इस बैटर से। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर कुछ कर रहे हैं, कुछ बेक कर रहे हैं, कुछ नमक डाल के, कुछ होता है ना बेकिंग प्रोसेस होम लिक। तो कई लोग तो ये भी आते हैं कि आप डोसा बेच रहे हो, ये वो। तो भाई आप ये देख रहे होगे कि ये जो बर्गर का बेस और जो टॉप होता है ना, वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब भैया इसके अंदर फिलिंग होगी, इसके बीच में फिलिंग होगी पूरी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा अपना टॉप और बेस तैयार हो चुका है, बेस रेडी हो चुका है। मतलब आपके जो बर्गर का वो बन तैयार हो चुका है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक है। तो भाई बर्गर का बन हमारा तैयार हो गया, अब इसमें देखते हैं कि ये बर्गर पूरा बनेगा कैसे। अरे वाह, स्टफिंग भी जो है ना वो चिकन की है पूरी की पूरी। भैया ये मसालेदार चिकन है? नहीं भैया, इस जो बच्चे से लेकर जो मर्जी खा ले इसको। अच्छा, मतलब ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें? माइल्ड मसाले हैं। हाँ जी, मसाले भैया खुद ही पीसे हुए हैं इसके। तो भाई ये स्टफिंग देख सकते हो आप, जो चिकन की स्टफिंग हो रही है ना इसमें कितनी बढ़िया हो रही है। मतलब पूरा जो है ना वो चिकन बढ़िया से इन्होंने डाल रखा है। ये आगे भाई इसमें प्याज और आइसबर्ग, ये लिक्विड चीज आ गई इसमें। क्या बात है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये भाई इस पे लग गया टॉप। बर्गर इज रेडी, बर्गर इज रेडी टू ईट। भाई ये बर्गर हमारा बन के तैयार हो गया, मेकिंग आप लोगों ने देख लिया, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो भाई बर्गर हमारे यहाँ देख रहे हो आप कि हमने यहाँ पे अपने हाथ में ले लिए। ये देखो जी, ये है जी बर्गर, ये साथ में मिली हमें हरी चटनी। 90 रुपये इसकी कॉस्ट है। अब इसको अनरैप करते हैं। ये देखो जी, ये बर्गर इनका जो अनरैप हो गया है, वैसे तो आपने बंदे देख ही लिया था, अब करते हैं इसको टेस्ट। ये है जी बर्गर, बहुत ही यूनिक चीज़ है यार, ये बिल्कुल यूनिक, जो कि हमने आज तक अभी तक कहीं खाई नहीं। लेकिन मुझे इंटरनेशनल लग रहा है, कोरिया स्ट्रीट फूड होता है ना, कुछ उस टाइप का लग रहा है, ऐसे वहाँ बनता है, देखा है वीडियो में मैंने,
उसको मैंने दीपक वैसे देखा था बनते हुए, कुछ उसी स्टाइल का लग रहा है, बट इसकी जो स्पाइसीज हैं वो इंडियन है, खाने में काफ़ी मज़ेदार। भाई बात करें बर्गर की ना, ये जो कंसेप्ट निकाला ना भैया ने, काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है मेरे ख्याल से। मैंने अभी तक यहाँ पे इंडिया में तो ये कंसेप्ट ट्राई नहीं किया। जो इन्होंने कंसेप्ट निकाल रखा ना, जिस बैटर से इन्होंने ये जो टॉप और बेस बनाया वो काफ़ी अच्छा एक सॉलिड बेस बना दिया इन्होंने। भाई जो इसके अंदर इन्होंने फिलिंग कर रखी है ना, ये सारे के सारे ना थाई के पीसीज हैं, चिकन थाई के पीसीज हैं, बड़े अच्छे से इन्होंने मैरिनेशन कर रखी थी, बिल्कुल माइल्ड मसाले। तो ये बर्गर का जो इन्होंने कंसेप्ट निकाल रखा है ना, वो काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट निकाल रखा है, और एक बार यहाँ पे आके ट्राई करना तो बनता है भाई। अगर हम नॉनवेज बर्गर अगर किसी ब्रांड का भी लेते हैं ना, तो वो भी कॉस्ट करता है, मतलब 70-80 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, जिसके अंदर बन ज़्यादा होता है या अपना वेजिस ज़्यादा होती है, एक पैटी होती है सिर्फ, वो भी चिकन की। और इसके अंदर जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, ये चिकन का है भाई, अंदर फिलिंग चिकन की, जो इसका बेस और अपना टॉप कह लो जो उसका बाटर है वो चिकन का, और बहुत अच्छी इन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। 90 रुपये इसकी कॉस्टिंग है, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई ये खाने। अब आप इसको बर्गर कहोगे या क्या कहोगे वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने जब बनते हैं उसको देखा किस स्टाइल में इन्होंने भैया ने बनाया, बट जो भी बनाया बहुत बढ़िया बनाया। अगर ऐसी आपने चीज़ खानी है तो आपको आना पड़ेगा हरिनगर घंटाघर के पास, जो भी उसका एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये था हमारा आज का बर्गर, जो कि एक स्ट्रीट फूड बर्गर, मतलब जो मैंने दिल्ली में कभी नहीं खाया था, आज मैंने इसको ट्राई किया और मैं इसको कह सकता हूँ एक स्ट्रीट फूड बर्गर, मैं कह रहा हूँ इसको बर्गर। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए हमें। तो भाई ये थे हमारी आज की वीडियो, होप करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो यतिन क्या करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके मैं जरूर आपको हमारी दिखाई वीडियो कैसे लगती है। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी आईडी है खाना बदोश भाई दीपक यतिन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।